प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए नए विषयों के माध्यम से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। इसी वीडियो से आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो जल्दी से फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हर महीने में कुछ न कुछ विशिष्ट कोटि की साधना शास्त्र के अंदर बताई गई है। अधिक मास के अंदर कौन सी मंत्र आराधना करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, सैकड़ों लोगों का प्रश्न था। तो जैन विधि से जो हमारी विशिष्ट मान्यता है, हर तीसरे साल में एक अधिक मास आता है। इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य संक्रांति, चंद्र संक्रांति के आधार के ऊपर आज मैं आपको 5 बात लिखाने वाला हूँ जो सब लोग कीजिए। बहुत बेहतरीन शुभ एनर्जी, जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और सक्सेस की शुरुआत आप इसी महीने से कर सकते हो। तो कौन से कार्य आपको करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, वो सारी बातें हम करेंगे। मंत्रों की जिसको अनुभूति करना है, जिसको भी अपने ग्रहों को अनुकूल स्थिति के अंदर बनाना है, तो पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भक्तांबर की उपासना कीजिए, आदिनाथ भगवान का मेडिटेशन कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए और रोज़ सुबह में घी का दिया और शाम को तिल के तेल का दिया कीजिए। तो खास धार्मिक पवित्र कार्य करना है, साधना तपस्या से विशेष आपको लाभ लेना है। भौतिक कार्य तो हम 12 महीना करते हैं, लेकिन एक विशिष्ट कार्य, ये खास करके ये समय में विवाह नहीं होता है, कर्ण वेद नहीं होता है, नए घर में प्रवेश वर्जित है, गृह निर्माण वर्जित है, गृह प्रवेश आपको नहीं करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तो कि प्रभु की कथा का श्रवण करेंगे। वंदिता सूत्र के अंदर बताया है, चिर संचीय पाव पणासनी भवसे समणीय 24 जिन मिड़क गए कहा ही बोलन तुम्हें दिया। 24 जिनेश्वर भगवान की जो कथा सुनता है, समझता है, अनुभव करता है, लंबे समय भव सय सह समहणीय 1000 भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपके संग में जो मूलनायक भगवान है, जरूर कमेंट के अंदर लिखिए आपके संग में कौन से तीर्थंकर मूलनायक विराजमान है और उनकी चरित्र की कथा खास 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 ये दिवसों के अंदर सुनना है। दान देना है, शक्य हो तो खास मौसम के जो फल हैं, अभी वर्तमान में जो फ्रूट मिल रहा है उसका आप दान दे सकते हो। निर्धन को पानी का दान देना है। प्राचीन जो अलग अलग प्रकार का जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, जो बहुत रिसर्च है और लाखों लोगों ने ये करके अनुभूति की है, तो खास आपको ये करना है, प्रार्थना करना है, संकल्प करना है, साधना जरूर करना है, क्योंकि ये जो पूरा महीना है उसके अंदर इसकी शुरुआत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से होती है। और खास 9 बार सर्वार्थ सिद्ध योग, योगों में भी जो विशिष्ट कोटि का जो योग है, आप तुरंत फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो के जबरदस्त कोटि का अमृत सिद्धि योग, और पुष्य नक्षत्र में भी जो उत्तम है रवि पुष्य नक्षत्र, रवि इसी महीने के अंदर आ रहा है। 12 महीने में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर रवि पुष्य नक्षत्र तो आता है हर बार, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र भी खास ये महीने के अंदर 2 दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र, रविवार को सोमवार को। तो खास 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 इसी दिनों में भक्तामृत सूत्र का अखंड अभिषेक कीजिए, संकल्प कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति संबंधी आपको साधना करनी है और तुरंत उसका परिणाम की प्राप्ति करना है तो खरे जरूर जरूर गुरु मंत्र की उपासना कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा एकदम टैलेंट वाला, होशियार, जबरदस्त बाहुबली बने, तो कि उसके लिए तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र, आदिनाथ भगवान का जितनी भी दादियाँ हैं वो सब लोग खास 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 अपने बच्चे को आदिनाथ भगवान का चरित्र सुनाए, जिससे इनकी जो पढ़ने की स्किल है, याद रखने की स्मरण शक्ति जो है उसके अंदर जोरदार अभिवृद्धि होगी। लक्ष्मी पूजन कीजिए, आपके घर में श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र की साधना कीजिए, इत्र थोड़ा सा खुद के ऊपर लगाइए, अपने घर के मंदिर के अंदर जो जो भी भगवान की प्रतिमा है उसके ऊपर इत्र को छिटकिए। और ये महीने का लकी कलर येल्लो है, तो पीले कलर का रुमाल, पीले कलर का अष्टगन का तिलक, हाथ में पीले रंग की रक्षा पोटली, पीला कलर, सोने की कोई भी चीज़ साथ में जरूर 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 रखें। साधना करने के लिए बैठते हो तो खास पीले आसन के अंदर यदि आप बैठते हो, पीले आसन के अंदर बैठते हुए करने से बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। और आपके आसपास में कोई अच्छे पंडित जी है तो खास गुरुवार के दिन दादा मणिभद्र जी का जो अनुष्ठान आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अधिक मास, बहुत 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 पावरफुल ये अधिक मास आपके जीवन के अंदर कई सारी खुशियां, कई सारे जीवन में सफलता और सक्सेस की चरम सीमा को प्राप्त कराए। यही भावना के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार।